हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है ना, हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम है मैक्सिमम सम सर्कुलर सवेरे, मतलब हमें एक सर्कुलर सवेरे का मैक्सिमम सम निकाल के लेके आना है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहाँ देख लेते हैं। गिवन अ सर्कुलर इंटीजर एरे, हमें एक नम्स सर्कुलर इंटीजर एरे दिया हुआ है। मतलब क्या है कि ये जितने भी नम्स के एलिमेंट है वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड है। कैसे है देखो, मेरा माइनस वन, मेरा वन यहाँ पे, फिर देखो माइनस टू है, फिर देखो थ्री है, फिर माइनस टू है। तो ये एक सर्कल है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। और इस सर्कल में हमारे क्या है, हमारे जितने भी नम्स के एलिमेंट्स हैं वो अरेंज है। अ सर्कुलर एरे मीन्स द एंड ऑफ द एरे कनेक्ट्स टू द बिगिनिंग। देखो जो एंड है एरे का वो किससे कनेक्टेड है, हमारी बिगिनिंग से कनेक्टेड है। फॉर्मली नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ नम्स ऑफ आई इज नम्स ऑफ आई प्लस वन मॉड एन एंड प्रीवियस एलिमेंट। मतलब देखो, जैसे ये मेरा वन जीरो इंडेक्स पे है, ये वन टू थ्री इस इंडेक्स पे रखा हुआ है, तो हमारा जीरो वाला एलिमेंट, मतलब जो जीरो इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट रखा हुआ है वो किस किस से कनेक्टेड है। एक तो मेरे थ्री से कनेक्टेड है और एक किस से कनेक्टेड है, वन से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब देखो नम्स ऑफ आई प्लस वन मॉड एन, नम्स ऑफ आई प्लस वन मॉड एन, आई प्लस वन जीरो प्लस वन। और अगर मैं इसका साइज देखूँ तो इसका साइज क्या है, फोर है। तो देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, इस जीरो वाले का नेक्स्ट एलिमेंट तो हमारा माइनस टू है, और इसका प्रीवियस एलिमेंट क्या है हमारा, ये इधर वाला माइनस टू है। ठीक है, ये वाला माइनस टू है। तो बेसिकली क्या है, सर्कुलर फैशन में कनेक्टेड है ये। अ सब एरे में ओनली इंक्लूड ईच एलिमेंट ऑफ द फिक्स्ड बफर नम्स एट वंस। फॉर्मली फॉर अ सब एरे नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई प्लस वन, नम्स ऑफ जे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट आई लेस देन इक्वल टू के वन, के टू लेस देन इक्वल टू जे विथ के वन मॉड एन इक्वल इक्वल के टू मॉड एन। तो यार यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो सब एरे हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं नम्स के, वो केवल एक बार ही आने चाहिए। मतलब नम्स में जितनी बार आ रहे हैं ना वो एलिमेंट्स, उतनी बार ही उस सब एरे में आने चाहिए, ज्यादा बार नहीं आने चाहिए। मान लो हमारा कोई ये वाला सब एरे है, ठीक है, तो उसमें है ना, मतलब हमारी ये जो के वन और के टू इंडेक्स है ना वो सेम नहीं होनी चाहिए। बात सिंपल सी ये है, ठीक है, मतलब कि यार सेम एलिमेंट, मतलब मैं ये जो वन वाला एलिमेंट है उसको एक ही सब एरे में दो बार नहीं ले सकती हूँ, बात ये है। ठीक है, तो यार अब देखो हम करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने ये एक एग्जाम्पल ले रखा है, और इस एग्जाम्पल में हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम निकालना है। तो यार एक काम करती हूँ मैं, ना इन सारे एलिमेंट्स को सर्कुलर फैशन में अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा टेन आ जाएगा, माइनस थ्री, फिर हमारा माइनस फोर, सेवन, सिक्स, ठीक है, फाइव, माइनस फोर और माइनस वन। सर्कुलर फैशन में हमने हमारे जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर दिया, अच्छी बात है। अब यार देखो सर्कुलर में क्या हो सकता है, सर्कुलर में ऐसे हो सकता है कि मान लो इतना तुम्हारा सब एरे, ठीक है, इतना और इतना सब एरे तुम्हारा मिलके क्या बना दे, मैक्सिमम सम बना दे। मतलब तुम्हारा कौन सा सब एरे मैक्सिमम सम बना रहा है, ये वाला, ये वाला। ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, इतना सब एरे, इतना सब एरे क्या बना रहा है तुम्हारा, मैक्सिमम सम बना रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा, अब देखो तुम्हारा सब एरे सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड था, सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड था, इसी वजह से यहाँ से देखो हमने कहाँ से, यहाँ से शुरू किया, बिल्कुल यहाँ से शुरू किया, फिर हम लोग कहाँ पे खत्म, मतलब हमारा आखिरी एलिमेंट कौन सा आया, ये पिछला वाला आ गया, मतलब इससे पहले वाला आ गया। अब क्योंकि ये सर्कुलर में था इस वजह से ऐसा हो रहा था। नॉर्मली तो क्या आंसर आता, मान लो अगर ये हमारे सर्कुलर मैनर में नहीं होता तो हमारा नॉर्मल आंसर तो यही आ जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में सर्कुलर सब एरे दिया हुआ है, तो यहाँ से, मतलब मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया अपने सम को लेना और फिर मैं यहाँ पे आ गई, लास्ट में आ गई, तो ये आखिरी एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये घूम के इस वाले एलिमेंट को भी हमारे सम में इंक्लूड कर सकता है। ये है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। अब हम यार इस स्टेटमेंट को ना थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब इसके है ना, मैं तुम्हें सवेरीज की बात करूं, इस प्रॉब्लम में तुम्हारे मैं सवेरीज की बात करूं, तो सवेरीज क्या क्या हो सकते हैं, अब मैं
छोटा एग्जाम्पल लेती हूँ सवेरे इस विजुअलाइज कराने के लिए, तो हम लोग ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो मेरा क्या है, सवेरे ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके के हमारा एरे दिया हुआ है। तो इसके सब एरेज क्या क्या बन सकते हैं, 5 आ सकता है, 5, -3 आ सकता है, ठीक है, 5, -3, 5 आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकते हैं हमारे, -3 आ सकता है, -3, 5 आ सकता है, अच्छी बात है, और हमारा क्या आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, सीधे सीधे बात कर रही हूँ अभी मैं, सर्कुलर की बात नहीं कर रही, और हमारे सवेरे क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ये तो जब हमारा नॉर्मली सीधे सीधे दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, पर यार क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड है, मतलब ये एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है, इस तरीके से एक सर्कल में अरेंज्ड है, तो यार ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्टेड है, ये वाला एलिमेंट हमारा इस वाले एलिमेंट से कनेक्टेड है, बिल्कुल है। तो यार यहाँ पे हमारा सवेरे घूम के क्या आ जाएगा, 5, 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और 5, 5, -3 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। तो इतने हमारे हमारे जब सर्कुलर सवेरे दिए हुए ना, तो इतने हमारे टोटल क्या आ रहे हैं, सवेरेज आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हम इसका सम लिख लेते हैं। तो देखो इसका सम क्या होगा, हमारा 5 होगा, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, सम लिख रही हूँ, 5, -3 कितना होगा, 2 होगा, 5, -3, +5 कितना होगा, 7 होगा, यहाँ पे हमारा सम -3 होगा, यहाँ पे हमारा सम 2 होगा, यहाँ पे हमारा सम 5 होगा। ये तो इतने सवेरे का सम हुआ, कितने का, इतने का सम हुआ। अब देखो मैं घूम के वापस इस सवेरे को ले रही हूँ, तो क्या आया, 10 आया, और फिर क्या आ गया यहाँ पे हमारा, वापस से 7 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा मैक्सिमम सवेरे सम, मैक्सिमम सर्कुलर सवेरे सम कितना आ रहा है, 10 है, ये हमारा आंसर है, बिल्कुल। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना इस प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब हमारा जो एरे है ना, इसमें से जो भी हमारा सम आएगा, अब वो कैसे आ सकता है, या तो नॉर्मल आ जाए, लीनियरली आ जाए, या फिर घूम के आ जाए, ये दो ही तो केसेस बन सकते हैं ना। देखो नॉर्मल का केस क्या होता, कि नॉर्मल का केस ऐसे होता तुम्हारा कि यहाँ पे ना तुम्हारा क्या रखा हुआ था, +3 रखा होता, और यहाँ पे -5 रखा होता, ठीक है, +3 रखा होता, -5 रखा होता, तो ये केस कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है। अब देखो 5, +3 यहाँ तक में 8 हमारा नॉर्मली आ रहा है आंसर, इतने सवेरे का अगर मैं आंसर निकाल लूँ तो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यार देखो मैं घूम के निकालूं, तो घूम के क्या बनेगा हमारा, -5, +5, 0, और -5, +5, +3, देखो घूम के निकाला, -5, +5 कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे क्या आ गया, -5, -5, +5 हमारा 0 होता है, और एक और सब एरे भी तो बन रहा है ना हमारा सर्कुलर में, -5, +5, और 3, ये कितना होता है हमारा, 3 होता है। तो देखो लीनियर में आ जाए या तो हमारा, जब हमें हमारा एरे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज नहीं होता है, मतलब लीनियर का केस है, तो हम नॉर्मल कडेन एल्गोरिथम से हमारा आंसर निकाल के लेके आ सकते हैं, क्योंकि कडेन क्या देता है, कडेन तो हमारा मैक्सिमम सब एरे सम ही देता है, बिल्कुल। तो यार कडेन तो मैंने लगा देनी है, किसके लिए लगानी है, इस लीनियर वाले के लिए, पर यार सर्कुलर में अब मैं क्या करूंगी, तो ध्यान से देखना, देखो मेरा ये कुछ सब एरे है, बिल्कुल है। अब मान लो इतना और इतना, ये मेरा क्या है, सर्कुलर सब एरे है, जो मुझे क्या दे रहा है, मैक्सिमम सम दे रहा है, क्या दे रहा है, 7 ले लिया मैंने, 6 ले लिया, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने -4 ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, -1 ले लिया, और यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, इतना मुझे मैक्सिमम सम दे रहा है, अच्छी बात है, ये तो सही चल रहा है। पर यार तुम बोलोगे कि यार हम लीनियर तो निकाल के लेके आ जाएंगे कडेन से, पर यार जब बात आती है घूम के लेके आने की, तो हम क्या दोबारा से पीछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम दोबारा से यहाँ पे पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि यार देखो तुम पहले इसका निकालोगे, इनका मतलब कि तुम पहले यहाँ तक का मैक्सिमम लेके आते, फिर तुम इसमें क्या करोगे, फिर तुम पीछे जाके दोबारा से देखोगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इनके साथ मैक्सिमम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे तुम एक ऑब्जर्वेशन देखना, तुम यहाँ पे देखना कि हमारा ये जो पूरे एरे का सम है, ये हमारा क्या होगा, टोटल सम होगा, बिल्कुल हमारा क्या होगा, टोटल सम होगा। अब मेरे मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे का सम कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, मेरा मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे क्या बना रहा है, इतना पार्ट और इतना पार्ट बना रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यार तुम कुछ देख रहे हो कि अगर मैं इस टोटल सम में से जो लेफ्ट वाला पार्ट है, अब देखो तुम्हारा लेफ्ट आउट पार्ट क्या है, तुम्हारा लेफ्ट आउट पार्ट ये है, ठीक है,
इसको माइनस करा दो, इसको माइनस करा दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम्हारा यहाँ पे मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना यार। क्योंकि देखो तुमने क्या किया, तुमने टोटल सम निकाला, उसमें से कितने पार्ट को माइनस करा दिया, जो भी बचा हुआ पार्ट था ना, जो मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम में नहीं आ रहा था, उतने को तुमने नॉर्मली माइनस करा दिया। ठीक बात है, सही काम चल रहा है। तो यार अब ये बात तो हमें समझ में आ गई यहाँ पे, पर अब तुम बोलोगे मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, पर यार एक बात है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम चाहिए। ठीक है, तो यार मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये जो लेफ्ट है वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, मतलब ये जो लेफ्ट पार्ट का जो सम है, बचे हुए सब एरे का सम है, ये मिनिमम होना चाहिए। बिल्कुल यार मिनिमम ही होना चाहिए ये तो। तो अब हम ये कैसे निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता होगा ना कि लेफ्ट आउट पार्ट क्या हो सकता है। तो यार अब ध्यान से देखना, अब हम लोग इस प्रॉब्लम में थोड़ा और डीप जाने वाले हैं। इतनी बात तो हमें यहाँ पे समझ में आती है कि हमारा ऐसा केस हो सकता है, ठीक है, और ये लेफ्ट आउट वाले पार्ट की भी बात समझ में आ सकती है। अब तुम ऐसे बोलोगे मुझे कि यार लेफ्ट आउट पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, मान लो तुमने कुछ सवेरे ऐसा ले लिया, ठीक है, कुछ ऐसा सवेरे तुमने यहाँ पे ले लिया। अब तुम मुझे कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे कहते हो कि यार इतना सवेरे, ठीक है, और इसमें जो सर्कुलर पार्ट है इतना मिला लो, ठीक है, ये मिलके तुम्हारा क्या बना रहा है, मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम बना रहा है, ठीक है, सब एरे सम बना रहा है। तो यार मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ कि क्या ये पूरा का पूरा सब एरे नहीं है, ठीक है, क्या ये पूरा का पूरा सब एरे नहीं है? क्योंकि तुमने मुझे क्या बोला, तुमने मुझे बोला कि इतना इतना सब एरे और इतना मिलके क्या बना रहे, इतना मिलके तुम्हारा मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम बना रहे। तो यार यहाँ पे तो हम लोग इसको लीनियरली निकालेंगे, इसको लीनियरली निकालेंगे तब भी तो ये हमें मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम ही तो देगा। क्यों? क्योंकि लीनियर वाले में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं, सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं, और सर्कुलर वाले में भी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को ही प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लेफ्ट पार्ट है क्या? यहाँ पे तो कोई भी लेफ्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी, मतलब जब हमारा लेफ्ट पार्ट नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या देगा, हमारा लीनियर वाला जो पार्ट है, मतलब लीनियर वाली जो एल्गोरिदम है, वो हमें नॉर्मल हमारा आंसर दे देगी। पर यार किसी केस में हमारा अगर लेफ्ट वाला पार्ट बच रहा है, मतलब हमारा सब एरे से कुछ पार्ट, हमारे इस पूरे एरे से कुछ पार्ट बच रहा है, ठीक है, और हमारा फिर मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे आ रहा है, तो हमारा आंसर कहाँ से आएगा, हमारा आंसर आएगा सर्कुलर वाली एल्गोरिथम से। अब हम इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखना, ये हमें एरे दिया हुआ है। अब यार मैं ना सबसे पहले किसकी बात करूंगी, लीनियर वाले पार्ट की बात करूंगी। मैं अभी है ना, तुम भूल जाओ कि सर्कुलर सब एरे के लिए हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें भूल जाओ, और अभी हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, नॉर्मल कडेन एल्गोरिदम का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैं कितना सम ले लूंगी, यहाँ तक का, मतलब इतने सब एरे का सम कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा। अब 10 माइनस 3 मैं कहाँ पे आई, यहाँ पे आई, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7 होता है, अभी भी क्या पता आगे जाके हमारा सम इंक्रीज हो जाए, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी, 7 माइनस 4 हमारा 3 होता है, अभी भी हम इसको ले लेंगे। और देखो मैं एक यहाँ पे आंसर भी बना रही हूँ, जिसमें मैं क्या रखूंगी, अपने मैक्सिमम सम को रखूंगी, तो अभी तक में हमारा मैक्सिमम सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब क्या पता ये जो 3 है वो आगे किसी के साथ मिलके मैक्सिमम सम बना ले, तो मैं यहाँ पे 3 + 7 = 10 ले लूंगी। फिर देखो यहाँ पे अभी भी हमारा सम क्या हो रहा है, अभी भी हमारा सम ड्रेन नहीं हो रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो देखो 16 आ गया, देखो मेरा आंसर में क्या आ गया, अभी 16 आ गया, 16 + 5 = 21 आ गया, मेरे आंसर में क्या आ गया, यहाँ पे 21 आ गया। फिर 21 माइनस 4 कितना होता है हमारा, यहाँ पे 17 होता है, ठीक है। फिर 17 - 1 कितना होता है हमारा, 16 होता है, हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये तो मैंने बात किसकी की, लीनियर की, ठीक है। लीनियर में जब हमने काम किया तो हमारा सम कितना आ रहा है, हमारा अभी तक आंसर आ रहा है 21। कौन सा है ऐसा, कौन सा सब एरे है जो हमें यहाँ पे मैक्सिमम सम दे रहा है, इतना कौन सा दे रहा है हमें, ये वाला सब एरे। बिल्कुल सही बात है यार, ठीक चल रहा है। पर यार अब मैं सर्कुलर की बात करती हूँ, तो यार मैं सर्कुलर में कहती हूँ कि काम करते हैं, एक काम करते हैं, इतने सब एरे को ले लो, कितने को ले लो, इतने को ले लो और इतने को ले लो, इसका सम कैलकुलेट करना। तो देखो यार 7 + 6, अब इतने का सम कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ये क्या है, ये वाला हमारा कितना है, सर्कुलर सब एरे का सम है, किसका सम है,
सर्कुलर सवेरे का समय, जो कि हमारे लीनियर वाले से क्या आ रहा है, लीनियर वाले से तो ज़्यादा ही आ रहा है। मतलब हमारा एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए, पर अभी हमें लीनियर से कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। तो यार मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, इसमें लेफ्ट आउट पार्ट क्या है मेरा, इसमें मेरा लेफ्ट आउट पार्ट क्या है, लेफ्ट आउट पार्ट कुछ ये है, ये क्या है मेरा लेफ्ट पार्ट है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि यार टोटल सम, टोटल सम माइनस लेफ्ट, ये क्या दे देगा, ये हमें यही दे देगा मैक्सिमम सर्कुलर सवेरे सम दे देगा। तो यार एक काम करते हैं, इसका टोटल सम निकालते, तो इसका टोटल सम कितना आ जाएगा, इसका टोटल सम आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। इसका टोटल सम क्या आ गया हमारे पास, 16 आ गया। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि यार लेफ्ट पार्ट क्या होना चाहिए, लेफ्ट पार्ट मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जब ये मिनिमम होगा ना तभी ये पूरा का पूरा क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा, तभी ये पूरा का पूरा क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक बात है। तो यार एक काम करते हैं, अब कडेन हमें क्या ला के देता है, कडेन एल्गोरिदम हमें मैक्सिमम सवेरे सम ला के देता है, बिल्कुल। और मुझे क्या चाहिए, अब ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या होगा, ये हमारा मिनिमम सवेरे सम होगा, क्या होगा मिनिमम सवेरे सम होगा, ठीक बात है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, इस एरे को, ये जो भी एरे है इसको इन्वर्ट करा देती हूँ। तो इन्वर्ट कराने पे कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, 4 -7 -6 -5 +4 +1 इतना हो जाएगा। तो देखो अब तुम बोलोगे कि यार इन्वर्ट क्यों कराया, क्योंकि देखो इन्वर्ट कराने से जो भी हमारे मैक्सिमम सवेरे में, मतलब जो भी एलिमेंट्स हमारे मैक्सिमम सवेरे में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब वो एलिमेंट्स हमें, जब हमने एरे को देखो, जो भी एलिमेंट्स हमारे मैक्सिमम सवेरे सम में कंट्रीब्यूट कर रहे थे हमने क्या करा दिया, उनको इन्वर्ट करा दिया। तो अब वो हमारा जो भी सम बनाएंगे वो कभी भी मैक्सिमम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे ना। और जो हमारा लेफ्ट आउट वाला पार्ट है वो क्या दे देगा, हमें मैक्सिमम सवेरे सम दे देगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा सम क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा -10 आ जाएगा, बिल्कुल -10 आ जाएगा। फिर हमारा -10 +3, ये तो क्या -10 इसके साथ मिलके -7 देता है, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव बन रहा है, तो आगे किसी के साथ मिलके भी वैल्यू क्या देगा, आगे किसी के साथ मिलके भी हमें सम नेगेटिव ही देगा। तो मैं यहाँ पे +3 ले लेती हूँ, 3 + 4 = 7 होता है, फिर 7 - 7 = 0 होता है, फिर 0 - 6, देखो -6 आ जाएगा यहाँ तक में। ये मैं लेफ्ट पार्ट का लेफ्ट पार्ट निकाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -5 भी आ जाएगा, क्योंकि -6 - 5 तो -11 देता है, तो वो सम और छोटा हो रहा है, तो इसलिए -5 भी लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो मेरा लेफ्ट यहाँ से 7 आ गया, मतलब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मुझे मिनिमम सवेरे सम निकालना था। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि यार मैं मिनिमम सवेरे सम कैसे निकालूं, क्योंकि लेफ्ट आउट पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो हमारी कडेन हम नॉर्मली लगाते थे ना मैक्सिमम सवेरे सम के लिए, हमने अभी भी कडेन को तो किसके लिए लगाया, मैक्सिमम सवेरे सम के लिए लगाया, पर हमने क्या किया, हमारी इस एरे को क्या करा दिया, इन्वर्ट करा दिया, हमारे इस एरे को इन्वर्ट करा दिया। क्यों करवाया, क्योंकि जो लेफ्ट आउट पार्ट जो कि हमें मिनिमम सवेरे सम दे रहा था, वो इन्वर्टेड एरे में हमें क्या देगा, मैक्सिमम सवेरे सम देगा, क्या देगा, मैक्सिमम सवेरे सम देगा। ये भी बातें हमें समझ में आती है। तो यार अब देखो, अब हम लोग ना क्या करेंगे, अब हम हमारा आंसर कैसे लेके आएंगे, अब क्योंकि हमारा लेफ्ट पार्ट, देखो हमारे लेफ्ट पार्ट का सम क्या आना था, -7 आना था, बिल्कुल आना था ना। तो हम एक काम करते हैं, पर हमें लेफ्ट पार्ट का सम क्या मिल रहा है, पर हमें लेफ्ट पार्ट का सम +7 मिल रहा है, तो क्या मैं टोटल सम प्लस लेफ्ट नहीं करा दूं अपने मैक्सिमम सर्कुलर सवेरे सम का, मैक्सिमम सर्कुलर सवेरे सम का आंसर लाने के लिए। क्यों करवाया, क्योंकि यार देखो यहाँ पे हमारा सम क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, तो अभी देखो टोटल सम क्या मेरा 16, अब 16 में से माइनस ऑफ -7 कराऊंगी तो ये बात तो किसके इक्विवेलेंट हो गई, इसी के इक्विवेलेंट हो गई ना। तो देखो टोटल सम हमारा क्या है, 16 प्लस 7 कितना आ जाएगा हमारा मैक्सिमम सर्कुलर सवेरे सम, क्या आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, मतलब अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे समझ में आया है कि यार मैं सर्कुलर सवेरे सम को निकालने के लिए यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं तुम्हें वापस से है ना इस वाले एग्जाम्पल से समझाऊँ, देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो यार एक काम करती हूँ, पहले मैं लीनियरली तो निकाल के लेके आ जाती हूँ, क्या पता ये लीनियर में ही हमें दे दे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, 5 मिल गया, यहाँ पे हमें क्या मिला, 5 - 3 2 मिल गया, 2 + 5 = 7 मिल गया, ठीक बात है।
सही काम चल रहा है यार अभी तक, तो अभी तक में मेरे आंसर में क्या आ गया, अभी तक में मेरे आंसर में क्या आ गया, 7 आ गया। पर यार मेरे को यहाँ पे क्या लेके आना है, सर्कुलर सवेरे, ऐसा सर्कुलर सवेरे लेके आना है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो यार क्यों ना मैं इतने और इतने को एक साथ ले लूँ। देखो यही तो केस है हमारा, ये पूरा सवेरे आ गया, तो देखो लेफ्ट आउट पार्ट कितना हो गया मेरा, ये हो गया। तो अब एक काम करते हैं, हम इस एरे को इन्वर्ट करा देते हैं, क्योंकि देखो कडेन हमें क्या देता है, ध्यान से देखना, मैं इस बात को बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि कडेन हमें क्या देगा, कडेन हमें मैक्सिमम सवेरे सम देगा, मैक्सिमम सवेरे सम देगा, ठीक है। तो यार जब मैं इस एरे को इन्वर्ट करा दूंगी, इस एरे को मैं इन्वर्ट करा दूंगी और फिर इस पे मैं कडेन अप्लाई करूंगी, तब भी ये मेरे को क्या देगा, तब भी कडेन तो मुझे मैक्सिमम सवेरे सम ही देगा। पर इन्वर्ट कराने पे हमारा लेफ्ट वाला पार्ट, जो हमने पार्ट छोड़ा था ना, जो हमने पार्ट छोड़ा था, क्योंकि ये छूटा हुआ पार्ट क्या कर रहा था, हमारे मैक्सिमम सम को, मैक्सिमम सर्कुलर सवेरे सम को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो उसको मैंने हटा दिया। उस पार्ट के सम को क्या दे देगा, ये मैक्सिमम दे देगा, बिल्कुल दे देगा ना। तो यहाँ तक का क्या आ गया, -5 आ गया, ये कितना हो गया, +3 हो गया। यहाँ कितना आ गया हमारा, +3 -5 -2 बनाता है, ऑलरेडी कम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, -5 ही ले लिया। तो लेफ्ट आउट पार्ट का सम कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। अब देखो इसका टोटल सम कितना है, 7 है। इसमें मैंने क्या करा देना है, इस लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करा देना है। तो देखो आ गया हमारा मैक्सिमम सवेरे सम, मैक्सिमम सर्कुलर सवेरे सम। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, लीनियरली हम लोग लीनियरली कडेन लगा रहे हैं, फिर हम कडेन को थोड़ा सा, मतलब हम हमारे एरे को मॉडिफाई करके फिर उस पे कडेन यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें सम किसका निकालना है, सर्कुलर सवेरे का। तो अब हम इसको कोट करके देखते हैं। तो यार मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ना एक इंट सम वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है, एक मैं आंसर वेरिएबल बना लेती हूँ, जो मुझे क्या देगा, मेरा जो भी आंसर होने वाला है वो दे देगा। तो मैं इसको क्या रख लूंगी, इंट मिनिमम रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ना लीनियरली करूंगी काम, जो भी करूंगी लीनियर पे करूंगी, अभी तक मतलब नॉर्मल कडेन एल्गोरिदम का मैं यहाँ पे यूज करूंगी। आप देखो जिनको कडेन एल्गोरिदम नहीं आती है, तो मैंने कडेन एल्गोरिदम की भी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो लोग जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं, कहाँ से आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन कहाँ तक, नम्स डॉट साइज तक कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ आई करा लेती हूँ, अच्छी बात है। अब देखो अगर मेरा सम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, इस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरा -5 आ गया, सम मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो यार ये, तो यार देखो ये वाला जो -5 है, ये आगे किसी एलिमेंट के साथ मिला के सम को कम ही तो कराएगा ना, हमारे सम को क्या कराएगा, डिक्रीज ही कराएगा। तो हम इसको नहीं लेते हैं, हम इसको नहीं लेते हैं, हम वापस से हमारे सम वेरिएबल को क्या करा लेंगे, यहाँ पे 0 करा देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना सम इक्वल टू 0 करा दिया, पर उससे पहले देखो आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम करा दिया। तो आप हम बोलोगे कि यार मैं यहाँ पे क्यों मैक्सिमम ले रही हूँ, तो मैं ध्यान से देखना। अब मान लो तुम्हारे एरे में सारे नेगेटिव एलिमेंट्स होते, कि -5 होता, -3 होता और फिर -5 आ जाता है यहाँ पे, तो यार यहाँ पे तो सारे ही नेगेटिव एलिमेंट है, तो देखो यहाँ पे सम क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, सम नेगेटिव। तो मैंने आंसर में क्या ले लिया, अभी -5 इतना मैक्स। तो यार हमारा यहाँ पे क्या आ गया, -3 आ गया, पर -3 तो हमारा -5 से बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करा देंगे, हमारे आंसर को -5 करा देंगे। फिर हमारा सम क्या आ गया, यहाँ पे -5 आ गया। तो यार देखो मैंने मैक्सिमम क्यों कराया, क्योंकि जब सारे ही नेगेटिव एलिमेंट होंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया, ठीक बात है। पर अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या करा देंगे, हम लोग सिंपली हमारा आंसर में क्या करा देंगे, मैक्सिमम को स्टोर करा लेंगे, जो भी हमारा मैक्सिमम तुम्हारा है उसको स्टोर करा लेंगे। पर यार यहाँ पे मैं एक बात पूछती हूँ कि क्या पता मेरा आंसर नेगेटिव हो जाए, आंसर मेरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो क्या यहाँ पे कोई सर्कुलर सवेरे सम आ सकता है क्या। देखो यहाँ पे मेरे क्या है एलिमेंट्स, क्या है हमारे -5 -3 -5, ये सर्कुलर फैशन में अरेंज है, सर्कुलर फैशन में अरेंज है। तो यार देखो अभी तक में मेरे आंसर में क्या आ गया, लीनियरली लगाया तो -3 मिला, मेरा मैक्सिमम सर्कुलर सवेरे सम, मेरा मैक्सिमम सवेरे सम, मेरा मैक्सिमम सवेरे सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है अभी तक में। तो यार ठीक है, क्या मैं सर्कुलर लगाऊं क्या यहाँ पे, क्योंकि देखो सर्कुलर लगाऊंगी इस इतने सवेरे का सम लूंगी, तो ये भी हमें क्या दे देगा, -10 दे देगा,
ठीक बात है, या फिर इतने का लूंगी, ये पूरे का ही ले लूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, -13 मिल जाएगा। तो यार जब मुझे पता है कि पूरा ही एरे, पूरे एरे में ही नेगेटिव एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो कभी चांस ही नहीं है, कभी चांस ही नहीं है कि कोई एलिमेंट किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ मिला के हमारा क्या दे दे, मैक्सिमम सम दे दे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा आंसर है उसको रिटर्न करा देंगे। अच्छी बात है। पर अब मैं बात करूंगी किसकी, अब मैं बात करूंगी यहाँ पे सर्कुलर सब एरे सम की, ठीक है। और एक काम करती हूँ मैं, है ना, यहाँ पे टोटल सम भी पहले ही निकाल के लेके आ जाती हूँ। तो टोटल सम इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, हमारा टोटल सम इक्वल टू टोटल सम प्लस नम्स ऑफ आई करा देती हूँ। ये भी अच्छी बात है, सही चल रहा है अभी तक में हमारा काम। अब यार मैं क्या करती हूँ, मैं ना अपने एरे को मैं क्या करूंगी, इन्वर्ट द इनपुट एरे टू फाइंड मिनिमम सब एरे सम। देखो अब मैं क्या करूंगी, हमारे एरे को इन्वर्ट करा दूंगी। जैसे ही मैंने इन्वर्ट कराया तो जो सब एरे, देखो मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे जैसे ही अपने है ना एरे को क्या कराया, इन्वर्ट कराया, तो जो हमें मिनिमम, जो सब एरे हमें मिनिमम सम दे रहा था, वो इस इन्वर्टेड एरे में क्या देगा, मैक्सिमम सम देगा। तो ठीक है, हम ये काम कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगी, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन नम्स डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, और मैं क्या करा दूंगी यहाँ पे नम्स ऑफ आई इक्वल टू -1 इंटू नम्स ऑफ आई। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस पे क्या कर दूंगी, कडीन एल्गोरिदम लगा दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिन इंट लेफ्ट बना लेती हूँ, और इसमें मैं क्या लगा देती हूँ, इंट मिनिमम। ये क्या देगा, इंट लेफ्ट हमें हमारा जो भी मिनिमम सब एरे सम है वो ला के देगा, ठीक है। तो और मैं वापस से यहाँ पे एक बार अपने सम को भी 0 करा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जाती हूँ, नम्स डॉट साइज तक जाती हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। अच्छी बात है, मैं सम इक्वल टू सम प्लस क्या लूंगी, नम्स ऑफ आई लूंगी, ठीक बात है। अब वही बात है कि अगर मेरा सम नेगेटिव है तो पूरी वैल्यू को ड्रेन करा दो, मतलब उतने को ही ले लो। लेफ्ट इक्वल टू क्या, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा सम, और सम इक्वल टू 0 करा दो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या, सिंपली हमारा लेफ्ट इक्वल टू क्या, मैक्सिमम ऑफ जो भी लेफ्ट कॉमा सम उतना ले लो, मतलब आगे का सब एरे देख लो जो मैक्सिमम सम दे रहा है, ठीक बात है। अब मैं यहाँ पे ना आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, या तो लीनियरली मुझे मिल जाए तो मैं आंसर ले लूंगी, या फिर टोटल सम प्लस लेफ्ट, या फिर टोटल सम प्लस लेफ्ट करा दूंगी। ये टोटल सम प्लस लेफ्ट क्या बताता है, हमारे मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे का सम बताता है। और यहाँ से मैं क्या करा दूंगी, रिटर्न करा दूंगी आंसर को, ठीक बात है। फिर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये टेस्ट केस लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पे 23 ही आना चाहिए। तो यार ये तुम्हारा यहाँ पे ना बहुत ही सिंपली, कैसे है ना, हमें पहले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डरावना सा लग रहा था कि यार मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे कैसे निकालेंगे, या फिर मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे सम कैसे निकालेंगे। पर यार हमने क्या किया, हमने जस्ट कडीन को, हमें कडीन पता थी, कडीन क्या देती है हमें, मैक्सिमम सब एरे सम देती है। फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर इस प्रॉब्लम को कितना आसानी से कडीन लगा के, और फिर एरे को इन्वर्ट करके, फिर उस इन्वर्टेड एरे पे कडीन लगा के आंसर लेके आ गए। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो जो मैंने इस प्रॉब्लम में यूज़ किया है। अगर तुम्हें समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ कॉमेंट्स में ना अपने, और साथ ही साथ कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।